आप सभी पूर्व परिचित हैं 12 अक्टूबर को नागा बाबा से 3 बजे शोभा यात्रा का प्रस्थान होगा, जो 4:15 बजे राम गुलाम चौक होते हुए गांधी मैदान कैंपस में आएगा। 4:30 बजे से माननीय लोगों का आगमन होगा और 4:45 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जो 5:45 बजे तक 1 घंटा टोटल कार्यक्रम चलेगा। शोभा यात्रा गांधी मैदान में घूमने के बाद आरती होगी और जो अशोक वाटिका का निर्माण, लंका दहन का निर्माण, तीनों पुतलों का निर्माण जो आप देख रहे हैं, पटाखों की व्यवस्था बड़े बेहतरीन ढंग से और बन गई, इको फ्रेंडली पटाखा की बार क्या लगातार किया जा रहा है ताकि देश में पर्यावरण की संरक्षा को हम लोग सुरक्षित रख सकें। कल जो रामलीला का कार्यक्रम वहाँ हो रहा है, आप सभी जान रहे हैं, कल हनुमान जी का नगर भ्रमण होगा। नवमी के दिन हनुमान जी नागा बाबा ठाकुरवाड़ी से निकलेंगे 4:15 बजे, कदम कुआं हनुमान मंदिर होते हुए, डाक बंगला होते हुए, एग्जीबिशन रोड होते हुए वापस नागा बाबा ठाकुरवाड़ी में होंगे। उसके बाद वहाँ की रामलीला का मंचन होगा। हम आपके माध्यम से सादर आग्रह करना चाहेंगे, एक विशेष बात है कि जितने भी बच्चे आते हैं आसपास की जनता, आपको पता है कि लाखों की संख्या में भाई बहन, युवा साथी बच्चों के साथ आते हैं, आप अखबार के माध्यम से, अपने सोशल के माध्यम से, टीवी मीडिया के माध्यम से एक सूचना आप जरूर देंगे माता पिता को उनके, कि जो अपने बच्चों को ले के आएँ वो जेब में अपना बच्चे का नाम और माता पिता का टेलीफोन नंबर अवश्य लिख के डाल दें, क्योंकि कार्यक्रम संपन्न होने के बाद उनकी सुरक्षा कमेटी का दायित्व बन जाता है जो बच्चे खो जाते हैं, तो हम लोग उनको मंच पे ला के रखते हैं और जो व्यवस्था होती है उनके लिए करने के बाद गंतव्य स्थान पे पहुंचाने का काम प्रशासन और कमेटी के द्वारा ये होता है। तो ये आपसे विशेष आग्रह है।